So hey guys, this is Nitish from TechStuff. Welcome back to another Q&A video. दोस्तों मैंने कल आपको कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर एक पोस्ट कर दी थी कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी हर अंडे एक Q&A की सीरीज आती है, डेली हर Q&A एक वीडियो आती है, इसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, मुझे आपके लाइक्स की बहुत जरूरत है। तो चलिए आप देख रहे हैं TechStuff। अगर आपने अभी तक अपने चैनल TechStuff को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और साथ में इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन निकल कर आता है एसके गुलाम रसूल जी की तरफ से। ये पूछते हैं भाई रियलमी 5 डेसिमल चार्जिंग एनिमेशन कौन सी अपडेट में आएगा, एक्सपेक्टेड जून अपडेट फीचर्स। तो ये पूछ रहे हैं कि जो रियलमी 5 है और 5S दोनों में सेम अपडेट चलता है, आपको जो डेसिमल चार्जिंग एनिमेशन है, सॉरी भाई आप मुझे बहुत कमेंट करते हो, एनिमेशन होता है, मुझे एनिमेशन बोलने की भाई आदत है, एनिमेशन जो है वो आप लोगों को कब देखने को मिलेगा और एक्सपेक्टेड जून फीचर्स। भाई एक्सपेक्टेड तो मैं नहीं बता सकता जून के फीचर्स, क्योंकि जो बताऊंगा वो नहीं भी आ सकते और आ भी सकते हैं, तो फिर उसका बताने का क्या फायदा है जो आए ही ना। मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि डेसिमल चार्जिंग एनिमेशन कब आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको जो एनिमेशन है शायद वो जून के अपडेट में देखने को मिल जाए, डेसिमल चार्जिंग एनिमेशन। तो वेट कीजिए, जब आ जाएगा हम आपके साथ उसको न्यूज को भी शेयर कर देंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है पारितोष पांडा जी की तरफ से। पूछते हैं रियलमी UI फॉर ऑल डिवाइसेस। ये पूछते हैं कि रियलमी UI जो है वो ऑल डिवाइसेस में कब आएगा, यानी कि रियलमी 1, 2, 7, U1 इनको भी देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और पूछते हैं जो इनके फीचर्स हैं डिफॉल्ट थीम, आइकन पैक, लेआउट, वो ओल्ड डिवाइसेस में कब मिलेगा। भाई जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरे काउजेज हैं, जहां तक मैं सोचता हूं और जहां तक रियलमी की लीक्स निकल कर आई हैं, आपको इन डिवाइसेस में रियलमी UI की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी, Realme 1, Realme 2, Realme C1 एंड Realme U1। बट फिर भी कुछ चांसेस हैं जिसमें आपको आइकन पैक्स देखने को मिल जाए और जो आपका लेआउट है नया वो देखने को मिल जाए इन डिवाइसेस में, बट अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। और फ्रेंड्स झूठ बोल के मुझे आपके से दूर नहीं जाना, हमें तो आपके साथ रहना, इसलिए चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दे। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो उससे पहले आपको बता दो अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। तो थर्ड क्वेश्चन निकल आता है सुहेब अहमद गौर जी की तरफ से। भाई पूछते हैं रियलमी 5 प्रो मंथ अपडेट मई का। भाई रियलमी 5 प्रो के अपडेट के रिगार्डिंग आप लोगों को बता दूं, मुझे भी इंतजार है बट अभी तक नहीं आया, आज 31 मई है, शायद आज शाम तक वेट कीजिए अपडेट आ जाए, बट नहीं आता तो आपको नेक्स्ट मंथ 100% अपडेट देखने को मिल जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल आता है हफीजुल अंसारी जी की तरफ से। पूछते हैं भाई रियलमी 5 में जो C.39 का अपडेट आया था उसमें टच इशू है और पबजी जो प्रॉब्लम है, आपकी साउंड प्रॉब्लम है, वो कब फिक्स होगी। भाई आपको बता दूं ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की, मैंने भी आपको पबजी गेम प्ले दिया था, तो ये नेक्स्ट अपडेट में फिक्स होगी, आप उसको खुद फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि UI का बग है। तो जब अपडेट आएगा कंपनी वाले अपडेट पुश करेंगे, उसी के बाद आपको ये बग्स जो है वो फिक्स हो जाएंगे। तो टेंशन मतलब जो भी बग्स आप लोगों को आपके डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं, रियलमी कम्युनिटी के अंदर आपको बग रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, जाकर के वहां से उसको रिपोर्ट कीजिए ताकि रियलमी वाले अच्छा सा अपडेट आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल आता है कुंताल गोस्वामी जी की तरफ से। पूछते हैं रियलमी थीम स्टोर 7.1 कब इंडिया में आएगा। भाई इंडिया में आ चुका है और मैं रियलमी 2 प्रो में यूज भी कर रहा हूँ और डेडिकेटेड वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बात कर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अभिषेक जोनी जी पूछते हैं कि रियलमी 3 को क्या सेफ रहेगा एंड्रॉइड 9 पे फ्लैश करना रियलमी UI के बाद कलर वॉक्स 6 पे। भाई सेफ तो है बट आपके जो फीचर्स रियलमी UI में आपको देखने को मिलता है वो कलर वॉक्स 6 में नहीं देखने को मिलेंगे, और रियलमी UI आने के बाद आपके डिवाइसेस की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है कलर वॉक्स 6 के कंपैरिजन। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप डाउनग्रेड कीजिए, आगे आपकी मर्जी। भाई बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रफी खान जी पूछते हैं कि भाई पाकिस्तान में रियलमी 5 को अपडेट मिलेगा, मेरा फोन बहुत ज्यादा
हाँ भाई आपको बता दू ये पाकिस्तान में भी रियलमी 5 को अपडेट मिलेगा, ये 100% है, ऐसा नहीं है कि वहां अपडेट नहीं मिलेगा, अपडेट मिलेगा, बट वेट कीजिए भाई अपडेट बैचेस में रोल आउट होता है तो धीरे धीरे सबको अपडेट मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है G4U गिरिधि की तरफ से पूछते हैं रियलमी 3 में एंड्रॉइड 11 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई इसके रिगार्डिंग मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उसको दाखिल कर देख लेना, फिर अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके बता देना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है एके टेलीकॉम जी की तरफ से पूछते हैं भाई रियलमी 5i में स्टेबल अपडेट रियलमी UI का कब तक मिलेगा। भाई जून के मंथ में आपको स्टेबल अपडेट रियलमी UI का देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आज सबको मिलना था बट अभी तक नहीं आया, आपको जो है वो जून के मंथ में देखने को मिल जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है अभिजीत आर चावन की तरफ से हैं रियलमी C2 का जो अपडेट है रियलमी UI का वो आपको क्या जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। भाई अभी तक न्यूज नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, शायद उसके बीटा फॉर्म्स अर्ली एक्सेस आपको देखने को मिल भी जाए, क्योंकि रियलमी वाले भाई जैसे 2 Pro के साथ किया वैसा रियलमी C2 के साथ भी कर सकते हैं, तो कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, झूठ बोल के हमें आपसे दूर नहीं जाना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है रमनाथ गोरे जी की तरफ से पूछते हैं भाई रियलमी 3Ti में जो बग्स हैं वो कब फिक्स होंगे भाई C.11 के अपडेट में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो रियलमी C2 में अमन राज जी पूछते हैं रियलमी UI कब आएगा, भाई जून के मंथ में या जुलाई के मंथ में आपको देखने को मिल जाए। सो आपने कुछ इतने से क्वेश्चन पूछे थे, उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने देने की पूरी कोशिश की है, और जिस यूजर्स के क्वेश्चन सेम थे उनको मैंने छोड़ दिया, भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।